दोस्त, इस वीडियो में जो कवर करने वाले इंडिया सीनियर्स वुमेंस T20 का जो कि मैच खेला जाएगा, रेलवे वुमेंस वर्सेस चंडीगढ़ वुमेंस का मैच खेला जाएगा। और ये मैच ना अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट मुझे काफ़ी सही लगा है। अगर आप स्मॉल ही खेलो तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर, ज़्यादा नहीं, एक एवरेज आउट इन्वेस्ट करना, ग्रैली पे ज़्यादा फोकस करना ऐसे मैचेस पे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में शायद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था क्योंकि हमने डी हेमलता को पिक किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है मैच स्टार्ट होने में। बात करते हैं प्ले और मैच इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक वो डेमो टीम शेयर करूँगा, लेकिन फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे जरूर सेक्ट रहना, जहाँ फाइनल स्मॉल की और ग्रैली की टीम शेयर कर दो डेड लाइन से 15 मिनट पहले। तो जिसको फ्री में टीम चाहिए टेलीग्राम यूज से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे सारा सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उसके थ्रू आ जाइएगा। लिंक 100% काम करता है। तो आप लोग टेलीग्राम यूज से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर 30,600 से ज़्यादा, 30,600 से ज़्यादा लोग हैं। तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको सर्च करके ज्वाइन कर तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना F11 टीम, हमारा ऑफिशियल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। F11 टीम सर्च करोगे तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल जोर से जाएंगे सर्च करना तो सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो उसके थोड़ा आ जाना, ठीक है। टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको बैटरी वोटर भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, फाइनल स्मॉल लिख के ग्रैंड टीम टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम शेयर किया था उसी तरीके आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे जोर से शेयर कर दूंगा, ग्रैंड लिख की भी। तो टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे लास्ट में कवर किया था बैटिंग और टेलीग्राम पे दे दिया था, और DM ले तक मैंने बोला था कि ड्रॉप मत करना। अभी हम बात करते हैं फटाफट से, उससे 12th मैच खेला जाएगा, और ये मैच है ना करीब 8:30 पे स्टार्ट हो जाएगा सुबह। तो आप लोग 8 बजे एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल पे, एंड आप इसे लाइव देख सकते हो फैन कोर्ट पे। और बता दूँ, ये मैच खेला जाएगा सरस्टा क्रिकेट स्टेडियम, मैच खेला जाएगा गुजरात में, ठीक है। ये मैच गुजरात में खेला जाएगा। एंड बात करते हैं पिच रिपोर्ट, दोस्तों विकेट है बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा विकेट है, और स्पिनर्स को सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा विकेट है। तो मान के चलिए ऑन एवरेज आपको ठीक ठाक स्कोर देखने को मिलेगा। सेकेंड पावर प्ले के बाद विकेट ऐसे गिरना चाहिए इस विकेट पे, ठीक है। ध्यान सुन लो, अब स्टार्टिंग के जो मतलब कि ओपनर हुए बैट्समैन उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो अपने टीम में जो उस बैट्समैन को CVC बना लीजिएगा, ठीक है। बात करते सबसे पहले लाइन, देखो जो बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते रेलवे वुमेंस का जो कि होनी चाहिए, ओपन गए रेलन हेमलता, ओपन गए डी हेमलता, टीम की तरफ से ना काफ़ी टैलेंटेड। मैंने लास्ट में जो कवर भी किया था, मैंने बोला भी था क्लियरली कि आप इनको ड्रॉप करें, गलती मत करना। ओपन करेंगे अभी देखो ओपनर ही मान के चलते, अभी आपको बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म कर दूंगा। ओपन करेंगे अंजलि सरवानी के साथ, ओपन करेगी मेघना सिंह वंडन बैटिंग करेगी टीम की तरफ से, मोना सब पूना बैटिंग करेगी, नुजात प्रवीण, फिर उसके बाद में सिकना में पूना यादव जो कि सेकेंड पावर प्ले के बाद मतलब बॉलिंग करेंगे, यानी कि आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। और जो विकेट है स्पिनर्स को मतलब सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब यही है कि पूना यादव का काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस विकेट पे मिलेगा। तो आप डेफिनेटली आप इनको CV से रोटेट कर लीजिएगा, और ये स्पिन फ्रेंडली विकेट भी है और ये एक स्पिनर भी है। प्रीति बोस टीम के तरफ से बैटिंग करेगी, राजेश गेकवाड खेलता मुझे आ जाएगी टीम की तरफ से, सेविन मेघना जो कि टीम की तरफ से नैना बैटिंग है, सनी राणा कैप्टनशिप करेगी टीम की तरफ से। उसके स्वागत तो दोस्तों ये है रेलवे वुमेंस का लाइनअप, यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर क्या बताता हूँ। मेघना का सिंह ओपन करने वाले, आप भी जानते हो टीम की तरफ से ओपन करेगी, ओपन कर देखो ये वाला आपको सेविन मेघना ये ओपन करेगी टीम की तरफ से, ओपन करेगी टीम की तरफ से प्रीति बोस के साथ ओपन करेगी, वन डाउन टीम की तरफ से खेलता है अपना आ जाएंगे, ठीक है। टीम के विकेट कीपर नुजात प्रेमन जो कि वन डाउन बैटिंग करेगी, फोन ना पे डी हेम रहता, तो ऐसा बैटिंग ऑर्डर होगा। मैं आपको कन्फर्म टेलीग्राम पे जरूर से शेयर कर दूंगा। तो ये लाइनअप है, एक बार आप देख लो। एंड अब बात करते चंडीगढ़ वुमेंस का जो कि होनी चाहिए, ओपन करेगी टीम आराधना एवरेस्ट, ओपन करेगी टीम के कैप्टन अमन जोत कौर के साथ ओपन करें। देखो ये अमन जोत कौर लास्ट मैच में कंफर्म 4 ओवर बॉलिंग पाई थी, और टीम की तरफ से ना वन डन बैटिंग की थी, और वो भी इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ, थ्री की इकोनॉमिक से बॉलिंग कराई थी और एक विकेट भी ली थी। मैं कंफर्म नहीं बोला कि 3 की इकोनॉमिक से बॉलिंग कराई, बट काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी और एक विकेट भी ली गई थी। काशवी गौतम जो कि वन डन बैटिंग करेंगे टीम की तरफ से, उसके अलावा कुमारी से भी, उसके अलावा मनीषा बंधन जो कि टीम से फीतना बैटिंग करी, मोनिका पांडे जो कि सीखना बैटिंग लिखा गया लेकिन ओपन करेगी, नंदिनी शर्मा टीम की तरफ से इतना बैटिंग करे, प्रियंका गुलेरिया टीम की तरफ से इतना बैटिंग करेगी, उसके अलावा प्रोसेस प्रभाकर जो कि टीम से टाइम था बैटिंग, रजनी देवी जो कि टीम से कन्फर्म 4 ओवर बॉलिंग पाएगी, शिवांगी यादव। तो दोस्तों ये है चंडीगढ़ वुमेंस का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर। हाँ, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर क्या होगा आपको बताता हूँ।
जो आपके इनके कैप्टन है अमरजीत कौर, वन रन बैटिंग प्लस कन्फर्म चार ओवर टीम की तरफ से पाएगी। ओपन करेंगे टीम की तरफ से या आपको मोनिका पांडे ओपन करने वाली है, ठीक है, अमनदीप विज के साथ ओपन करेगी, ठीक है, वन डाउन अमनजोत कौर आपके तक मुझे आ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। एंड बात करते हैं बाकी जो अपडेट्स है आपको डेली यहाँ पर शेयर कर दूँगा, ठीक है, अब लाइनअप से क्योंकि ऐसे में जो स्टेट्स की जरूरत थी, पर ठीक है आप लोग ना बस टेलिया पैक्टीरिया में आपको लॉजिकल टीम अभी आपको दे दूंगा और समझा भी दूंगा कि किसे कब ड्रॉप करना है, कब किसे पिक करना है, तो बट फाइन टीम टेलिया पे जुड़ सकते हैं जहाँ पाए स्मॉल की और ग्राली टीम शेयर कर दूंगा डेड लाइन से 15 मिनट पहले, जहाँ पे ना 30,600 से ज़्यादा लोग हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहा मैच, आप खुद से देखो, देखो मेरी टीम थोड़ी सी रिस्की होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली जो लीग से ना 5-6 मेंबर्स की 45 मेंबर्स की, तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि छोटा अमाउंट से अच्छा खास पैसे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी टीम रिस्की होती है और थोड़ी सी ट्रिकी टीम होती है, बट आप इसी जूर से खेल लीजिए, ट्रेंडिंग नाम पर आपको जो दिख रहा है इसे आप खेल सकते हो, 44 वाला कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है ये, अगर आपको ग्रैली विन करना है छोटा अमाउंट से। तो बात की विकेट कीपर से सर एंड परवीन सबसे बेटर ऑप्शन है, वन रन बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग करेंगे और टीम से टैलेंटेड प्लेयर तो कवर कर लो, एस शिवांग यादव को तो भूल ही जाओ आप। बैटिंग से जैसे मिथाली राज है इस मैच के लिए, मोनिका पांडे अवेलेबल टीम की तरफ से ओपन करें इंपॉर्टेंट रहेंगे, एस मैगना टीम की तरफ से ओपन करेंगे, एक मस्टअप पिक रहेगी टीम की तरफ से कवर कर लो, फी फायर अगर ओपन करेगी टीम की तरफ से सॉरी ओपन नहीं करेगी टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर बैटिंग करेगी कवर कर सकते, मैं फिलहाल के डी एम ने तक सर जो कि फोन है बैटिंग करेगी टीम की तरफ से कॉन्स्टेंट प्लेयर है, उसके लिए एम एस एल एम जो कि खेलता है मुझे आ जाएगी, फिफ्थ सिक्स नया बैटिंग करती है टीम की तरफ से, ए विज काफ़ी अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, नीचे दिखोगे तो आपके पास है हाँ ए विज आप इनको कवर कर से खेलेगी तो ट्राई कर लेना, साइड रखते हुए के लिए कुछ खास है नहीं, एक और अच्छे ऑप्शन है सिर्फ पी प्रभाकर है और कोई कुछ खास नहीं है, मैं अपनी टीम में जाना चाहता तो ए विज के साथ जा सकता खेलेगी, तो अभी तीन ही लेके चलते ऑलराउंडर से सैने राना ले लो, ए अमनजीत को टीम की इंपॉर्टेंट नहीं, टीम की तरफ से कन्फर्म चार ओवर बॉलिंग पा रहे प्लस टीम की तरफ से वन रन बैटिंग करेगी, एस राट जो कि टीम की तरफ से एक मस्ट ऑफ ऑप्शन नहीं चाहिए टीम से ओपन कर रही, आप इनको कवर कर लीजिएगा, टीम से हर एक मैच ओपन कर रही है, दोनों लास्ट के दोनों मैचेस ओपन कर चुकी है, उसके लिए नीचे ए रेडिया खेले तो ट्राई कर लीजिएगा, नीचे कुछ के गौतम खेलता मुझे आ जाएगी, ए सरवानी जो कि फोन है बैटिंग करे प्लस बॉलिंग भी पा रहे थे, मस्ट ऑफ ऑप्शन है कि कवर कर लो, मैं अपनी टीम में ये जो चार ऑलराउंडर्स है ए स्टार्ट को ऐसा पंट पिक यूज़ करूँ, क्योंकि ए स्टार्ट टीम की तरफ से ओपन करे हर एक मैच में, अभी के लिए साइड रखते बट अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो कवर कर लेंगे। बॉलिंग से पूनम यादव राजेश गायकवाड़ दोनों अवेलेबल है, आप देखो विकेट क्या है स्पिन फ्रेंडली है, जो स्टार्ट है देखो फर्स्ट और सेकंड पावर प्ले में मैं भी विकेट ना मिले और फर्स्ट और सेकंड पावर पे तो इनको बॉलिंग आता ही नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है पूनम यादव का प्लेट सी बी सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मेरे को पता तो लॉसी के लिए किस तरीके से पिच क्या है, अभी देखो पहले जो फर्स्ट और सेकंड पावर प्ले में विकेट में भी ना गिरे और इनकी फर्स्ट और सेकंड पावर प्ले मतलब कि बॉलिंग नहीं करेंगे, यानी कि सीधी सी बात है थर्ड पावर प्ले बॉलिंग करने आएंगे और वहां पे जो विकेट लेने के जो चांसेस वो कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस समय से स्पिन फ्रेंडली विकेट हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि इंपॉर्टेंट है कि सी बी सी के लिए, क्योंकि जब ये बॉलिंग कराए तो जो विकेट गिरने के जो चांस हाई रहेंगे, के सी बी को कवर कर लो विकेट लेके प्ले राजेश गायकवाड़ अवेलेबल है इस मैच के लिए तो कवर करके चलिएगा, बाकी के नीचे 10.5 किट बस एंड आपको डिसाइड करना 11th पे था पहले ले चुके रेलवे वुमेंस के सारे प्लेयर्स, तो अभी भी लेने पड़ेंगे चंडीगढ़ वुमेंस के, तो देखो नीचे आगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो कुछ खास है नहीं, सिवाय मैं एक प्लेयर लेना चाहता हूँ टीम की तरफ से 10.5 किट बस एंड आपको डिसाइड करना है 11th पे, तो देखो आप देखो जा सकते हो यहाँ पे ना पी परवा सकते जो कि अच्छा प्लेयर टीम के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो बॉलिंग से थोड़ा सा नीचे स्कोर करोगे तो आपको देखने को नंदन शर्मा जो टीम से काफ़ी अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैच में कन्फर्म चार ओवर बॉलिंग पाई थी और अपने टीम के तब से 5.8 की इकोनॉमिक से बॉलिंग कराई थी और सबसे कम इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी और विकेट लेस गई थी 5.8 की इकोनॉमिक से बॉलिंग कराई थी, काफ़ी अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, आप इनके साथ भी जा सकते हो तो इस टीम के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन टीम ना थोड़ा सा रिस्की है, आप विकेट क्या कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड पावर प्ले विकेट में भी ना गिरे, तो इसका मतलब मैं जाना चाहता हूँ नंदनी शर्मा की जगह पे पी प्रभास अगर इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से, आप इनको कवर कर लो कि टीम से ओपन करेगी और स्टार्टिंग विकेट में भी ना गिरे तो इन काफ़ी ऐसा पंट पिक रहेगी, तो ओवरऑल मेन टीम बन चुकी है लेकिन लास्ट मैच 12 रन बना के आ रहे बट फिर भी ठीक ठाक स्कोर जोर से करके दे देगी, तो ओवरऑल मेन टीम बन चुकी है, लेकिन इसके अलावा एक और छोटा सा चेंज कर सकते हो, अगर पहले बॉलिंग हो तो आप ना डी हेमलता की जगह पर ट्राई कर लीजिएगा, ये आपको दिख रही ना मेघना सिंह एक सेकंड ये आपको दिख रही मेघना सिंह जो कि टीम से एक बार सिलेक्शन है टीम की तरफ से मेन बॉलर है, ठीक है ये
वर्ल्ड कप खेल के आ रही थी, मस्ट ऑफ ऑप्शन है कि आप इनको भी सीवी से ट्राई कर सकते हैं या फिर आप इनको पिक जोर से कर ले। मैं भी पार्टी में पिक करूँ, किसके प्लेसमेंट पे पिक करूँ, टेलीग्राम पे अपडेट करूँ, मैं भी मतलब कि पिक कर सकता हूँ, एस मैगना की जगह पे पिक कर सकता हूँ या फिर डी हेमना तक जगह पे पिक कर सकता हूँ। अगर पहले बॉलिंग तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना बनता है, क्योंकि टीम से वो भी कन्फर्म बॉलिंग पाएगी, टीम से वो भी विकेट टेकिंग प्लेयर है, तो ओवरऑल टीम बन चुकी है। बात के कैप्टन उसके ऑप्शन था, देखो रेलवे के मूवमेंट से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो कि कॉन्स्टेंट है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आप भूल जाओ, सबसे जो कॉन्स्टेंट प्लेयर एक और जो अमनजीत कौर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कैप्टनशिप कर रही है, वन रन बैटिंग प्लस चार ओवर बॉलिंग पा रही थी, इंपॉर्टेंट नहीं कैप्टन के, लास्ट मैच भी कन्फर्म चार ओवर बॉलिंग पाई थी और टीम की तरफ से कैप्टनशिप कर रही। देख मस्ट ऑफ ऑप्शन है, वाइस कैप्टन चाहो तो सैन्य राणा या फिर अंजलि सेरेवानी के साथ जा सकते हो। अंजलि सेरेवानी फोन है बैटिंग प्लस बॉलिंग भी पा रही थी, इंपॉर्टेंट नहीं। मैं अपना वाइस कैप्टन पूनम यादव के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, ठीक है, सेकंड पावर प्ले बाद स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा, तो मैं इनके साथ ही जाना चाहता हूँ। और एक और है कि कन्फर्म बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, अब किससे होप करोगे? सैन्य राणा जो कि बैटिंग में काफ़ी नीचे आ रही है, कैप्टनशिप कर रही है टीम की तरफ से, लेकिन बैटिंग काफ़ी नीचे है और बॉलिंग में कन्फर्म चारों बिल्कुल भी नहीं है। बट पूनम यादव कन्फर्म है, तो चारों बॉलिंग पर प्लस विकेट है कि प्लेयर टीम की तरफ से, तो ऐसे अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ। आप चाहो अगर आज देखो ग्रेगवाड़ आप खेलते मुझे आपको आ जाएंगे आज, ठीक है, लाइनअप में लिखा हुआ तो मैं भी खेलते मुझे आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस टीम के साथ भी जा सकते हो सेम। तो मेरी ओवरऑल टीम बन चुकी है जिसके साथ आप लोग स्मॉलिंग मिनी गैली खेल सकते हो, तो जहाँ पर आपको जैसा इन्वेस्टमेंट करना हो। मेरी टीम लॉजिकली टीम है, काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। और उसके अलावा मोनिका पांडे की टीम के तरफ ओपन करेगी, पीपर वाका ओपन करेगी, एस मंगना ओपनिंग करेगी, डी हेमलता फोर ना बैटिंग करेगी, एन परवीन वन रन बैटिंग करेगी, सेनेना टीम की तरफ सिक्स ना बैटिंग करेगी मिडिल ऑर्डर में, ए सरवानी जो अंजलि सरवानी जो टीम की तरफ से फोर ना बैटिंग करेगी, यार ग्रेकवाड फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग कर सकती है, पूनम यादव थर्ड पावर प्ले में, तो इंपॉर्टेंट नहीं, सेम टीम के साथ आप जा सकते हो। सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। एक और मेरा कैप्टन है वाइस कैप्टन पी पूनम यादव जो कि इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से, आप सेम टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, जाके कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर दो। वाइस कैप्टन चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो अजिल सरवानी को, ट्राई कर सकते हैं फिर सैन्य राणा को, बट मेरी बात हो ना आप इसलिए पूनम यादव के साथ ही जाओ। अगर पहले बॉलिंग हो तो आप इनका कैप्टन भी रोटेट कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा कैप्टन, क्योंकि एक और आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स आपको दे दे और काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम की तरफ से। ग्रेकवाड को भी ट्राई कर लेना अगर खेलेगी तो, टीम की तरफ से खेलते अपन डेफिनेटली अपन नजर आ ही जाएगी। तो सेम टीम के साथ जाओ, कोई चेंजेस हो तो आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो सेम टीम स्क्रीनशॉट ले लो पहले, काफ़ी सी टीम है, मैं पर्सनल को रिकमेंड करूँगा सेम टीम को यूज़ कर लेने के लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी का जो फाइन टीम है टेलीग्राम पे जूस शेयर कर दूँगा। बाकी ग्राइंड टीम है एस मैगना को जूस और ट्राई कर लीजिएगा, और उसके अलावा ट्राई कर लीजिएगा अपना बॉलिंग में जो आपको देखे ना मैगना सिंह, उनको जूस और ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी सही प्लेयर रहेगी, सबसे बेटर बेटर मुझे लग रही है। अगर पहले बॉलिंग तो उनको डेफिनेटली ट्राई करना बनता है, तो सेम टीम से जाओ, कोई चेंजेस हो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। तो प्लीज़ फाइन टीम के टेलीग्राम पर जूस एक्टिव रहना, जब फाइनल स्मॉल की ग्रैंड टीम शेयर कर दूँगा डेडलाइन से 15 मिनट पहले, तो टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम जिससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना एफ 11 टीम चैनल, आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे 30,600 से ज़्यादा लोग हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो टेलीग्राम जिससे ज्वाइन कर लेना।